बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हम डेटा कम्युनिकेशन में देख रहे हैं कम्युनिकेशन मीडिया के टॉपिक को, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वाइड या फिर गाइडेड मीडिया को, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ट्विस्टेड पेयर केबल को, कोएक्सियल केबल को और फाइबर ऑप्टिक केबल को। जबकि आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया को। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। अनगाइडेड मीडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस मीडिया, क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, वो वायर्स और केबल्स के बिना ट्रांसमिट होता है, क्योंकि वो केबल्स और वायर के बगैर ट्रांसमिट होता है, इसीलिए इसको अनगाइडेड मीडियम भी कहा जाता है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, आप आमतौर पर अब राउटर्स के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मीन्स आप किसी भी वक्त नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जिसको चाहें उस नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं, उस नेटवर्क से कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें केबल्स नहीं होती, जिसकी वजह से आप बाउंड नहीं होते कि पहले केबल लगाओ फिर नेटवर्क बनाओ, तो इसीलिए इसको अनबाउंडेड मीडियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो डाटा ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, क्योंकि अब केबल्स तो है नहीं कि उनके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। तो दोस्तों, डेटा यहाँ पर वेव्स के जरिए यानी वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और इसमें कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं? इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दोस्तों, तो फिर हमें वायरलेस मीडिया यानी वेव्स की जरूरत क्यों पेश आई? फॉर एग्जाम्पल, हमें कराची से लाहौर एक नेटवर्क बनाना है, तो अगर हम उसमें केबल्स को यूज करेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में केबल्स को लगाना मुश्किल होता है, और ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि कॉस्टली भी होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत सी केबल्स की और बहुत बड़ी तादाद में केबल्स की जरूरत होती है। इसीलिए वायरलेस नेटवर्क्स को सेटअप करना आसान भी होता है और ये इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। दोस्तों, ये आमतौर पर तब भी इस्तेमाल किए जाते हैं जब डिवाइसेस फिक्स नहीं होती, जैसे कि मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स वगैरह में अब वायरलेस मीडिया यानी वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं जिसके राउटर्स वगैरह के जरिए आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो दरअसल वेव्स के जरिए ही कम्युनिकेशन हो रही होती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले यानी वाइड मीडियम के अंदर तो हम केबल्स के अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो अब वेव्स किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस is an example of unguided media such as microwaves, satellites and mobile communication. दोस्तों, क्योंकि waves travel करती हैं हवा में, तो waves के लिए जो medium होता है वो दरअसल हवा ही होती है, और इसके अंदर हम कौन सी waves को इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर हम microwaves को इस्तेमाल करते हैं, satellites के जरिए communication करते हैं और mobiles के जरिए communication की जाती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले microwaves की details देखते हैं। Microwaves are electromagnetic waves, transmit voice and data through the atmosphere or air instead of cables and wires. तो दोस्तों, पहले हमने देखा था कि हमारा डाटा केबल्स के जरिए ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ हमारा डाटा वेव्स की शक्ल में ट्रांसफर होता है, और वो वेव्स भी कौन सी होती हैं? वो होती हैं माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स मौजूद हैं, तो माइक्रोवेव भी इनमें से एक वेव होती है, जो कि आवाज और टेक्सचुअल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो मीडियम है वो केबल नहीं होती, बल्कि इन स्पेस यानी हवा के जरिए ये ट्रेवल करती है। तो फ्रेंड्स, इनकी स्पीड देखिए, माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स that travel at a speed of 16 gigabits per second or more. दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये electromagnetic waves हैं, और electromagnetic waves में भी अलग अलग type की waves मौजूद हैं, तो जैसे कि infrared, x-rays, gamma rays वगैरह इन waves को use करती हैं, तो microwaves इन waves में से जिन waves को use करती हैं वो हैं radio waves. और रेडियो वेव्स को इसीलिए यूज करती हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, यानी इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये एक सेकंड में 16 गीगाबिट्स को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रैवल करा सकती है, यानी बहुत ज्यादा तेजी के साथ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। और दोस्तों ये हाई स्पीड तो होती है, लेकिन माइक्रोवेव्स कैन ओनली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इनका एक डिसएडवांटेज भी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इस तरह की वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, यानी ये हमेशा सीधी लाइन में डिस्टेंस को कवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो कंप्यूटर्स हैं, और अगर हम इनके दरमियान डाटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं माइक्रोवेव्स के जरिए, तो वो डाटा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यहाँ हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं करते, बल्कि टावर्स टू टावर कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो दोनों टावर्स भी बिल्कुल सेम लेवल पर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये टावर 1 है और ये टावर 2 है, अगर ये आमने सामने होंगे तभी इनके दरमियान डाटा ट्रैवल कर सकेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसमें डाटा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अगर हम इन टावर को थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का टावर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो अब देखिए डाटा किस तरीके से ट्रैवल होगा। अब अगर टावर 1 डाटा को सेंड करेगा, और डाटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्योंकि माइक्रोवेव्स कैन ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो अब ये डाटा टावर 2 के पास नहीं पहुंच रहा। तो इसीलिए टावर्स के लेवल को सेम रखना जरूरी होता है ताकि वो स्ट्रेट लाइन के जरिए कम्युनिकेशन कर सके। और फ्रेंड्स इसका ये एक और करेक्टरिस्टिक देखिए, इट इज नेसेसरी दैट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज इन अ लाइन ऑफ साइट। दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी ट्रांसमिशन में लाइन ऑफ साइट का भी ख्याल रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन ऑफ साइट क्या है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, लाइन ऑफ साइट मींस देयर मस्ट बी अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मींस दो डिवाइसेस हैं जो आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर रही हैं, और अगर उन दोनों के दरमियान माइक्रोवेव्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो बीच में किसी किस्म का कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, यानी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो रुकावट कहलाएगी ऑब्स्टेकल। और लाइन ऑफ साइट क्या है? ऐसी लाइन जिसके बीच में कोई रुकावट ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से जो उसके बीच रुकावट बन सके, उसे ट्रैवल होने से रोक सके, तो इस टर्म को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। बिकॉज माइक्रोवेव्स कैन नॉट पास फ्रॉम ऑब्स्टेकल, क्योंकि अगर दो डिवाइसेस डेटा को ट्रांसफर कर रही हैं और उनके दरमियान कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग आ गई, क्योंकि डेटा तो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो कोई माउंटेन भी आ सकता है, कोई ट्री भी हो सकता है, तो माइक्रोवेव्स इन तमाम ऑब्स्टिकल से नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से हमारा डेटा पूरी तरह रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसीलिए इसमें लाइन ऑफ साइट का होना बहुत जरूरी है, यानी इसमें लाइन ऑफ साइट का ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाता है। दोस्तों आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जब हमने लाइन ऑफ साइट को यहाँ प्लेस किया, तो ये लाइन ऑफ साइट टकरा रही है किसी न किसी ट्री से, यानी इसके दरमियान आ रहा है ऑब्स्टेकल। तो अब जब ये सेंडर इस रिसीवर को माइक्रोवेव्स के थ्रू कोई डाटा सेंड करेगा, तो माइक्रोवेव्स क्योंकि ऑब्स्टेकल से पास नहीं हो सकती, तो यानी वो इन ट्री के अंदर से भी नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से डाटा आपका रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए लाइन ऑफ साइट को ऊपर की तरफ यानी हाई जगहों पर प्लेस किया जाता है, ताकि वो बिना ऑब्स्टिकल्स के ट्रैवल कर सके। तो दोस्तों ये पॉइंट देखिए, द एंटीनास एंड डिशेस आर प्लेस्ड ऑन हाई बिल्डिंग टावर एंड हिल टॉप्स। दोस्तों इसीलिए इसमें एंटीनास और डिशेस को यूज किया जाता है, और इन एंटीनास को हाई प्लेसेस जैसे कि हाई बिल्डिंग्स हिल टॉप्स पर प्लेस किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जितनी ऊंचाई पर आपके एंटीनास मौजूद होंगे, उतने ही ऑब्स्टिकल्स उन्हें कम फेस करने पड़ेंगे। इसलिए आमतौर पर पहले जब हम इस तरह के डिशेस यूज करते थे, तो उन्हें अपनी छत पर प्लेस करते थे, ताकि ये इजी वे में सिग्नल्स को कैच कर सकें और कम्युनिकेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट देखिए, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज लिमिटेड टू अ कम्युनिकेशन अक्रिंग within the limits of a particular city or community. तो दोस्तों microwaves के through जो transmission होती है वो limited होती है, यानी short distance के लिए होती है, जो कि within a city हो सकती है, within the area हो सकती है, क्योंकि friend इसमें हर 20 to 30 miles के बाद एक tower को place करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जमीन गोल है,
जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हर 20-30 माइल्स के बाद अर्थ का कर्वेचर चेंज होगा, जिसके आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये कर्वेचर है जो कि चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम टावर्स को सेम लेवल पर रख भी रहे हैं तो जैसे ही अर्थ का कर्वेचर चेंज होगा दोनों टावर्स की लाइन ऑफ साइट डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक टावर को अगर हम ज्यादा हाइट पर रखेंगे और दूसरे को कम हाइट पर तो दोनों स्ट्रेट लाइन में डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए ये आमतौर पर विद इन अ सिटी ही डाटा को ट्रांसफर कर सकती हैं। सो वी कैन से इन केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कर्वेचर ऑफ अर्थ माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव स्टेशन need to be placed within 40 to 50 kilometer of each other with no obstructions, kyunki earth har 20 to 30 kilometer ke baad curvature change karti hai jiski wajah se signal weak hona shuru ho jata hai, to agar aap 20 to 30 kilometer ke baad bhi data ko travel karwana chahte hain to mazid stations lagane honge jo ki weak signals ko dobara se regenerate karenge, dobara se amplify karenge, unhe dobara se स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे ताकि उनमें आगे मूव करने की सलाहियत पैदा हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी माइक्रोवेव्स की डिटेल्स, आइए इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंस ऑफ लेइंग केबल एंड फास्टर देन केबल्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमें केबल्स की जरूरत नहीं होती और केबल्स को लगाना ना सिर्फ बहुत डिफिकल्ट होता है बल्कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नेटवर्क बना रहे हैं जो कि कराची से लेकर लाहौर तक के दरमियान है, तो उस नेटवर्क को बना अगर आप केबल्स के जरिए बना रहे हैं तो इतनी बड़ी तादाद में केबल्स को बिछाना, फिर उनका सेटअप, उनको सेटअप करना, उनकी मेंटेनेंस करना, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह वेव्स के जरिए नेटवर्क बना रहे हैं तो ये बहुत ईजी होता है, ना सिर्फ आसान होता है बल्कि ये केबल्स की तरह बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, और इसके साथ साथ आप बहुत बड़ी तादाद में डेटा को वेव्स के थ्रू ट्रेवल करा सकते हैं बनिस्बत केबल्स के। इट कैन कैरी 2500 चैनल्स एट द सेम टाइम। दोस्तों, ये एक वक्त में एक साथ, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में डेटा को लेकर जा सकती है, तो बड़ी तादाद क्या है, 2500 चैनल्स को एट द सेम टाइम, यानी एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराती है। Since no cable are to be let down, so it offers ease of communication over difficult areas like hilly areas. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक जंगलात है, मतलब एक जंगल है, और इस जंगल में अगर आप केबल्स के जरिए कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर यानी इन दरख्तों के दरमियान केबल्स को लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बनिस्बत अगर आप वेव्स के थ्रू यहाँ पर नेटवर्क बना रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो आसान होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके एडवांटेजेस, आइए इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिपीटर आर यूज्ड व्हिच मेक इट मोर एक्सपेंसिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी अर्थ कर्वेचर को हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद चेंज करती है, जिसकी वजह से आपको रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, साथ के साथ ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है जिसकी वजह से सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है। अब आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइक्रोवेव्स को ट्रेवल कराना है तो आपको बीच में लगाने पड़ेंगे इस तरह के रिपीटर्स जो कि दोबारा से सिग्नल को रीजनरेट करेगा, एम्पलीफाई कराएगा, ताकि वो दूर तक भेजे जा सकें। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये रिपीटर भी एक हार्डवेयर होता है, तो इसको यूज करने के लिए भी एक बड़ी लागत की जरूरत होती है, यानी फिर ये कॉस्टली हो जाता है अगर आप माइक्रोवेव्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज आल्सो एक्सपेंसिव। दोस्तों, इसके अंदर भी वन टाइम इंस्टॉलेशन होती है, यानी एक दफा आपने इस तरह के टावर्स को नस्ब कर दिया, अब वो जो एक दफा की लागत है वो तो बहुत ज्यादा महंगी होती है, लेकिन उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, माइक्रोवेव के थ्रू भी कम्युनिकेशन करवाना इतना कोई कम कीमत का नहीं होता, इसमें भी अच्छी खासी रकम दरकार होती है। द ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी वेव्स जो हैं वो हवा में ट्रैवल कर रही होती हैं, और अगर हवा में कोई इस तरह का स्पार्क हो जाता है, अगर बारिश हो जाती है, बिजली कड़कती है, तो वो उन वेव्स को अफेक्ट करेगी, और उन वेव्स के अंदर मौजूद है आपका डाटा, तो यकीनन वो डाटा भी उसकी वजह से
मुतासिर होगा। तो इसीलिए अगर आपका वेदर, अगर आपके सिटी में वेदर खराब है तो आप देख सकते हैं कि अक्सर आपको कम्युनिकेशन में काफी मसला होता है। वो दरअसल इसीलिए होता है क्योंकि हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जो कि माइक्रोवेव्स के थ्रू होती है, तो हमें काफी मुश्किलात का सामना करना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगले लेक्चर में हम दूसरी किस्म के अनगाइडेड मीडिया जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन की डिटेल्स देखेंगे।